नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। रीट पात्रता परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है, डायरेक्ट नौकरी मिलने को लेकर। आपको बता दूं दोस्तों, रीट पास कर चुके छात्रों को डायरेक्ट यहाँ पर नौकरी दी जाएगी सरकारी स्कूलों में। रिक्त पद की वजह से फैसला ये लिया गया है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी पद अभी खाली बचे हुए हैं दोस्तों। थर्ड ग्रेड के 1 लाख पद अभी भी खाली बचे हुए हैं, भले ही दोस्तों 46,500 पदों पर भर्ती का पात्रता एग्जाम का पेपर आयोजन हो चुका है। तो दोस्तों, गेस्ट फैकल्टी में रीट अनिवार्य है। पहली पारी में 51.40, दूसरी पारी में 85% उपस्थित रहें, पिछली वैधता खत्म रहेगी दोस्तों, 2021 की वैधता नहीं मानी जाएगी। 89.12 अभ्यर्थियों ने दी है परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, टोटल अगर एवरेज निकाला जाए तो 89.12 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो 10 साल की पात्रता है उसको नियुक्ति नहीं दी जाएगी दोस्तों, उनको जॉब नहीं दी जाएगी, गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको स्कूलों में लगाया जाएगा दोस्तों। आपकी सबसे पहले मैं सैलरी के बारे में बात कर लेता हूँ, क्या क्या रूल रहेंगे इसमें। आपके पास रीट पात्रता सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि रीट में आप पास होने चाहिए। ये आपको सबसे पहले मैं पात्रता बता देता हूँ दोस्तों। गेस्ट फैकल्टी पर लगने के लिए यह रहेगी अभ्यर्थियों की पदवार पात्रता। जी हाँ दोस्तों, लेवल फर्स्ट के DLED सहित 12वीं में 50% अंक होने चाहिए दोस्तों आपके, यानी कि DLED में भी और 12वीं में भी 50% अंक। रीट लेवल 1 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, वैधता समाप्त नहीं हुई हो, यानी कि लाइफ टाइम की वैलिडिटी होनी चाहिए आपकी, वैधता होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। वहीं BEd की बात करूँ तो व्याख्याता के लिए BEd सहित ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित विषय में उत्तीर्ण होनी चाहिए। सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए संबंधित विषय में स्नातक और BEd होनी चाहिए। और दोस्तों, ये आपकी BEd व DLED दोनों के लिए पात्रता एग्जाम पास होना जरूरी है, तभी आप इसमें लग सकते हो। लेवल 1 व लेवल 2 के लिए 1 से 8वीं तक पढ़ाने के लिए आपको 21,000 रुपये पर मासिक दिए जाएंगे। सेकंड ग्रेड के टीचरों के लिए 9 से 10वीं के लिए 25,000 रुपये, लेक्चरर के लिए 11वीं से 12वीं के लिए 400 रुपये प्रति घंटा हिसाब से 30,000 रुपये, ये और PTI के लिए 21,000, लैब असिस्टेंट के लिए 21,000। तो ये आपके दोस्तों यहाँ पर सैलरी भी बता दी गई है, ये स्कूलों में लगाया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से विद्या संबल योजना के दायरे में बढ़ोतरी करते हुए रिटायर शिक्षकों के साथ साथ गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों को भी लगाया जाएगा। यानी कि अगर आपने DLED या BSTC कर रखा है दोस्तों, या फिर BEd कर रखा है और उसमें आपके 50% अंक हैं, 12वीं 50% अंक हैं और रीट पत्ता एग्जाम भी पास कर लिया है, तो आप इसमें नौकरी के पात्र माने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गेस्ट फैकल्टी में रीट की पात्रता जरूरी है। तो पात्रता का रिजल्ट दोस्तों आपको सितंबर या अक्टूबर में आ जाए, उसके बाद ये योजना शुरू हो जाएगी, विद्या संबल योजना इसे नाम दिया गया है, जिसमें कि दोस्तों छात्रों को जिन्होंने पास कर रखा है BEd या DLED और पात्रता ले चुके हैं उनको इसमें लगाया जाएगा दोस्तों। तो बहुत बड़ी संख्या में छात्र इसमें आवेदन करेंगे, इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छी अपडेट रहेगी, सैलरी काफ़ी अच्छी मानी जा रही है दोस्तों, 21,000 रुपये दिए जाएंगे। आपको पता होगा दोस्तों, 21,000 रुपये आपके 22,500 रुपये तो आपके जब रीट लेवल में कि आप थर्ड ग्रेड के टीचर हो जाते हैं तब दिए जाते हैं, तो इसमें 21,000 से ऊपर की सैलरी रहेगी आपकी। वीडियो को जरूर शेयर करना रीट शिक्षा भर्ती से संबंधित इसी प्रकार की अपडेट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।